नमस्ते बच्चों। चलिए, पिछली बार हमने बाल गोविंद भगत वाला लेसन देखा था। उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने के लिए कहा था, आपने कर लिए होंगे। अगला जो पार्ट है अपना 12वां, वो यशपाल जी का है, लखनवी अंदाज। तो आज हम लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। पहले यशपाल जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लोहार के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं, मुख्य हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना तथ्य के कहानी नहीं लिखी जाती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविक में बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ये जो आपकी कहानी है, ये केवल और केवल बनावटी पने पे है कि अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए भी आदमी क्या क्या कर सकता है। मुफस्सिल का अर्थ होता है कोई केंद्रीय नगर। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी, यानी ट्रेन चल पड़ने को थी। अब आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, लेकिन भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक के कहने का मतलब है कि वो कोई कहानी की रचना करना चाहते हैं, तो उन्हें ज्यादा दूर तो नहीं जाना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ सके, कहानी में लिखने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके और प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी ले सके, इसलिए उन्होंने टिकट जो लिया था वो सेकंड क्लास का ही ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी उन्होंने अनुमान लगाया कि डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, लेकिन डिब्बा बिल्कुल खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे, यानी लखनऊ के कोई आदमी जो नवाब थे वो बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। इसका मतलब यानी बैठे बैठे कुछ चिंतन कर रहे थे और जैसे ही हम गए उनकी चिंता में कोई असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी लेखक क्या सोच रहा है कि भाई ये भी कोई नई कहानी लिखने के लिए यहाँ बैठे होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी नवाब साहब खुश नहीं हुए कि भाई हमारे साथ में कोई और आदमी भी आके बैठ गया, तो उन्होंने कोई खुशी नहीं जताई। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आके चुरा ली। हम भी उनको बिना देखे बैठ गए कि हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ठाली बैठे कल्पना करते रहने की तो पुरानी आदत है, तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लग गया। संभव है अब वो लेखक सोच रहा है कि भाई नवाब साहब संकोच क्यों कर रहे हैं, उन्हें असुविधा क्यों लग रही है, तो उसके बारे में मैं कल्पना करने लग गया। तो सोच रहे हैं कि संभव है नवाब साहब ने
बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। लेखक अनुमान लगा रहा है कि भाई नवाब साहब ने यह सोचा होगा कि मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ आराम से बैठ गए। किफ़ायत से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। अब उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा होगा कि मैं भी इस डिब्बे में आकर बैठ गया हूँ। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे भी खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए? उन्होंने सोचा होगा भाई नवाब साहब ने कि भाई मैं तो अकेला जाऊँगा, इसलिए उन्होंने खीरे भी खरीद लिए खाने के लिए। लेकिन अब मैं आगे बैठ गया तो ये असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कनखियों में तिरछी नज़र से थोड़ा सा अपनी गर्दन को नीचे झुका के, नज़रों को थोड़ा सा ऊपर उठा के उनको देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे भी अब क्या किया जाए। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमने संबोधन किया आदावर्ज। आदावर्ज का अर्थ है अरे अभिवादन करने का एक तरीका है। तो नवाब साहब ने सहसा हमें हमसे कहा भी आदावर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? अब हमसे उन्होंने कहा भी आप भी खीरा खाना पसंद करेंगे? तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो गए तब चुपचाप बैठे थे, अब अचानक उनके भाव में कोई परिवर्तन आ गया तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप सरापत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेल लेना चाहते हैं? जवाब मैंने क्या दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए, यानी आप शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया चाड़कर उनके सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिये से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर उनका झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिये पर सजाते गए, यानी एक एक फाक काटते गए उनकी और तौलिये के ऊपर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़ियाँ भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक, यानी जीरा और नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्पुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। साफ नजर आ रहा था कि नवाब साहब अब खीरों को खाने के लिए कितने उत्साहित हो रहे हैं, उनके मुंह की क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतराए, यानी कहाँ तो वो ऐसा दिखा रहे कि मैं रईस हूँ, लेकिन अब जब खीरा खाने का टाइम आया तो अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी लखनऊ का प्रसिद्ध खीरा है, आप भी खाना चाहिए तो खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियती फाके देखकर पानी तो मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन पहले जब इनकार कर चुके थे तो आत्मसम्मान भी निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि आत्मसम्मान ने पहले तो मैंने मना कर दिया कि भी मैं खीरा नहीं खाऊंगा, अब अगर मैं खीरा खाने के लिए कह दूं तो मेरा आत्मसम्मान गिरेगा, इसलिए मैंने अपना आत्मसम्मान को निभाना उचित समझा और मैंने क्या उत्तर दिया, शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी मुझे ज़रूरत अभी नहीं लग रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी मेरा पाचन तंत्र कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए आप ही खाइए। नवाब साहब ने क्षतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली।
मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फाको खिड़की से बाहर छोड़ दिए। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, यानी उनके ऊपर नमक और जीरा फुरका दिया, लाल मिर्च बुरकाई और खीरे की जो फाके थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन नवाब साहब ने, क्योंकि उनके सामने वाला लेखक जो नहीं खा रहा था, उनको बताने के लिए उन्होंने क्या किया, फाकों को उठाया और सूंघा और सूंघ कर उनको बाहर ही छोड़ दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी अपने आप को खानदानी बताने के लिए, रईस बताने के लिए उन्होंने लेखक को ये चताना चाहा कि तुमने मना कर दिया तो मैंने भी नहीं खाई, और अपने खानदानी रईस होने का तरीका उनको बता रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर अब लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? यानी हो सकता है ये आप इनका रईसी तरीका हो, लेकिन इससे पेट की पूर्ति तो हो नहीं सकती है। फिर भी नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, जैसे कि उनका पेट खुशबू से ही भर गया हो और उन्होंने डकार ले ली हो, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी खीरा तो होता तो अच्छा है लेकिन पेट के लिए थोड़ा जोर डाल देता है। मैदे, मैदे का अर्थ होता है आमाशय, तो इसमें थोड़ा जोर डाल देता है, इसलिए होता तो अच्छा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि भी इसको खाई जाए। ज्ञान चक्षु खुल गए, अब मेरी आंखें खुल चुकी थी और मैंने पहचान लिया कि भी ये नहीं कहानी के लेखक है, मुझे और कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने और डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? अब लेखक क्या सोच रहा है कि अगर उसने खीरे खाए नहीं तो फिर भी उनका पेट भी भर गया और उनको डकार भी आ गई, तो मेरे लिए कहानी की रचना में ऐसी जरूरत नहीं है मैं विचार करूँ या उस घटना को देखूँ, उनके पात्र देखूँ। यानी कि बिना पात्र, बिना विचार, बिना घटना के भी कहानी बन सकती है। आपके जो ये प्रश्न अभ्यास है उसमें से ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा क्या करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? बिना विचार, घटना, पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहिए? चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। रचना और अभिव्यक्ति नहीं करनी है, भाषा अध्ययन में भाषा अध्ययन भी आपको नहीं करना है, चारों क्वेश्चन आप कर लेना, और शब्द समता मीनिंग आपको करने हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।